हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में अतिक्रमण पर चला पीला पंजा। बाड़मेर में शहर की सरकार और नगर परिषद शुक्रवार को जिला प्रशासन व पुलिस जाप्ता के सहयोग से शुक्रवार अलसुबह सेंट पॉल स्कूल सड़क मार्ग का अतिक्रमण तोड़ने पहुंची। अलसुबह जेसीबी का पीला पंजा अतिक्रमण पर चला। इस दौरान टीम को लोगों का भरपूर सहयोग मिला। नगर परिषद आयुक्त ने कहा कि चिन्हित अतिक्रमण को हटाने पहुंची नगर परिषद की टीम का वहां के लोगों ने सहयोग करते हुए पहले ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। शुक्रवार नगर परिषद की टीम पुलिस जाप्ते के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंची। वहां पर पक्के अतिक्रमण को जेसीबी मशीन की सहायता से हटाया गया। दरअसल मास्टर प्लान में नेशनल हाईवे 68 से सेंट पॉल स्कूल रोड का सड़क मार्ग 80 फुट का बताया गया था, लेकिन नगर परिषद के अनदेखी के चलते लोगों ने 30 फुट तक अतिक्रमण कर लिया। अब यहां पर सड़क प्रस्तावित है। ऐसे में सड़क निर्माण से पहले नगर परिषद ने 80 फीट सड़क को खुला करने के लिए 4 दिन पहले इस मार्ग पर 70 से ज्यादा अतिक्रमण को चिन्हित किया और उस पर क्रॉस लगाया था। लोगों को नोटिस जारी कर चस्पा किए गए थे, लेकिन अगले 3 दिन में अतिक्रमण को अपने स्तर पर हटा लिया तो नगर परिषद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगी। गुरुवार को नोटिस का अल्टीमेटम पूरा हो गया। इन 3 दिनों में स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण चिन्हित होने के बाद जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर विरोध दर्ज करवाया, लेकिन इसके बाद लोगों ने नोटिस का समय पूरा होने पर अपने स्तर पर अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। शुक्रवार को अलसुबह नगर परिषद की टीम मय पुलिस जाप्ता ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने शुरू किए। वहां लोगों ने नगर परिषद की टीम का सहयोग भी किया। नगर परिषद आयुक्त ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से पर्याप्त मात्रा में जाप्ता तैनात कर दिया गया है। मौके पर मजिस्ट्रेट भी नियुक्त है। एसपी दीपक भार्गव ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जाप्ता दिया। नगर परिषद का 2012 का मास्टर प्लान तैयार था जो कि 2031 तक है। उसमें शिवकर रोड की तरफ जो रास्ता जाता है वो 80 फीट का है, जिस पर लोगों ने अतिक्रमण किया। इसके बाद नगर परिषद ने प्रथम चरण में 70 से 72 से अधिक अतिक्रमण को चिन्हित किया था। इसके बाद लोगों ने नगर परिषद की इस कार्रवाई का सहयोग करते हुए अतिक्रमण हटाना शुरू किया। आज नगर परिषद की टीम पुलिस जाप्ते के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंची, जहां पक्के अतिक्रमण को जेसीबी की सहायता से हटाया जा रहा है। वहीं कुछ लोग स्वयं अतिक्रमण हटाने में जुट गए हैं। अतिक्रमण हटाने का समय उन्हें दिया जा रहा है। एक दो लोगों का न्यायालय में स्टे है, उनकी भी 2 जनवरी तक का समय है। उसके बाद उसको भी हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। नगर परिषद ने 80 फीट की रोड को 3 दिन में अतिक्रमण मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है और कार्रवाई लगातार जारी है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।